स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार के युवाओं के लिए बड़ा ऐलान हुआ। ऐतिहासिक गांधी मैदान से सीएम नीतीश कुमार ने 10 लाख नौकरी के साथ 20 लाख रोजगार का वायदा किया। यह ऐलान तब हुआ जब बीजेपी ने डिप्टी सीएम के खिलाफ नौकरी के मुद्दे पर मोर्चा खोल रखा है और अब बीजेपी को लग रहा है कि नीतीश कुमार के वायदों में दम नहीं है क्योंकि खजाने में पैसा कम है। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, 10 लाख नौकरी के साथ 20 लाख रोजगार। बीजेपी ने पूछा खजाने में कितना है रुपया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नई सरकार के साथ पहली बार तिरंगा फहराने पहुंचे सीएम ने बड़ा ऐलान किया। सीएम ने युवाओं के बड़े सपने का वादा किया, 10 लाख लोगों को नौकरी के साथ 20 लाख रोजगार देने का वादा किया गया। युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए सब कुछ करेंगे, हम लोग बड़ी संख्या में देंगे। अरे नौकरी वाला भी जो बात है, हम लोग अब एक साथ हैं, हम लोगों का कंसेप्ट है कि भाई हम लोग कम से कम उसको तो 10 लाख तक कर दें, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हम करेंगे बच्चे बच्चियों के नौकरी के लिए भी और उसके अलावे हर तरह से आप समझिए उसके रोजगार के लिए, नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे सरकारी और सरकार के बाहर भी, हर तरह से इतना ज्यादा काम बढ़ना चाहिए कि ये हो जाएगा। तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। सीएम के इस ऐलान के बाद महागठबंधन के नेताओं ने जमकर तारीफ, आरजेडी और कांग्रेस से दोनों को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इन वादों को पूरा किया जाएगा। आज एक ऐतिहासिक दिन के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है। उन्होंने कहा है गांधी मैदान से 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी और इसको बाद में आगे बढ़ा के 20 लाख भी किया जाएगा। ये संभव है जी, आने वाले दिनों में इसको करने का संभावना है और बिहार में पॉसिबिलिटी गुंजाइश बहुत है, उसको हम सब लोग मिल के अमल करेंगे। नीतीश जी कहते हैं और तेजस्वी जी पहले ही कह चुके हैं, तो हम सब लोग इस विचार के साथ हैं, बेरोजगार की समस्या का हल करने की बहुत जरूरत है। सीएम ने इस ऐलान से बीजेपी को करारा जवाब दिया जो पिछले 5 दिनों से डिप्टी सीएम के नौकरी के ऐलान को लेकर घेर रही थी, पर बीजेपी अब भी खामोश नहीं है। बीजेपी पूछ रही है कि खजाने में कितना रुपया है। नीतीश जी अभी तक शायद वर्तमान परिस्थिति का आकलन नहीं कर पा रहे हैं, या तो बिहार के खजाने की स्थिति को उन्होंने देखा ही नहीं है। जिस प्रकार से लगातार बिहार में खजाने की स्थिति कमजोर हो रही है और जो 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, अब जो स्थिति पैदा हुई है कि बिहार में फिर से पलायन का रुख होगा। दरअसल बीजेपी को उम्मीद नहीं रही होगी कि सीएम डिप्टी सीएम के वादे को इस अंदाज में पूरा करने का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन अब वो ऐलान हो चुका है तो घेराबंदी का दूसरा रास्ता ढूंढा गया है। वैसे सवाल भी लाजमी है कि नौकरी और रोजगार देने का रोडमैप क्या है और कैसे देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सीमी। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री